स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे मेडिकल सीट में धोखाधड़ी के खेल का खुलासा, नीट 2021 JEE में सीटों का सौदा किस प्रकार, कैसे गैंग काम करता है, उस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को और समझते हैं एक एक बात को। देखिए यहाँ पर इस रैकेट के जरिए देश के मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटों का सौदा होता है। ऐसे कई ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए फर्जी रास्ते से को अपना कर या तो नीट की परीक्षा पास कराई जाती है या फिर सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में सीधे एडमिशन दे दिया जाता है। आपको इस पूरे रैकेट का बेनकाब करने वाली जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन को देखिए और समझिए। देखिए ये पूरा उन्होंने ट्वीट किया और एक वीडियो भी साथ में ट्वीट किया है। इस वीडियो को हम आगे प्ले करते हैं और आप चीज़ों को देखिए। बेपर्दा हो गया है जी, बिल्कुल। ये स्टिंग ऑपरेशन आपसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, हम सब से जुड़ा हुआ है। और ये स्टिंग ऑपरेशन उन सभी से जुड़ा है जिनके घर में बच्चे हैं, उन सभी से जुड़ा है जो अपनी सर करनी होती है। इस परीक्षा में आई मेरिट के अनुसार ही बच्चे का एडमिशन काउंसलिंग के माध्यम से किसी सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज में होता है। ये तो है सही प्रक्रिया, लेकिन अब धांधली की पहली प्रक्रिया को समझिए। एक मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के कैंडिडेट ने नीट की परीक्षा क्लियर कर ली, लेकिन नंबर कम होने से सरकारी कॉलेज में नहीं मिला एडमिशन। प्राइवेट कॉलेज का वो खर्च उठा नहीं सकता, लिहाजा वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। अगर वो एडमिशन नहीं लेता तो प्राइवेट कॉलेज की सीट खाली रह जाती है, कॉलेज उसे खुद से भर नहीं सकता। अगर वो एडमिशन लेकर सीट को खाली कर देता है तो प्राइवेट कॉलेज वहाँ पर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हैं, यानी कॉलेज को अधिकार मिल जाता है कि वो वहाँ पर किसी को भी सीट दे सकता है। और यही होता है वो खेल। देव शर्मा ने इस खेल के बारे में फोन पर बताया, लेकिन जब मिलने की बात की गई तो उसने कहा कि मेरे बॉस मिलेंगे। कुछ दिनों बाद एक एजेंट बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल में बुलाया गया, जहां मुलाकात हुई इस गोरख धंधे के धंटी इस मामले की पड़ताल करती। धांधली के इस खेल में फ्रॉड भी घूमते हैं। हमें तसल्ली ये करनी थी कि नीट और JEE को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये किरदार वाकई में असली। इस तरह के जो अपराध हैं उसमें मीडिया की अपनी एक भूमिका होती है, लेकिन पुलिस की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कितना सकारात्मक मानते हैं जब मीडिया इस तरह की सकारात्मक भूमिका के रूप में आप तक पहुंचता है और समाज से अपराध की समाप्ति के लिए, खासतौर पर वो अपराध जो लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ। क्राइम को कवर करने की कोशिश करते हैं उसमें इसमें नेगेटिव साइड दिखा के एक तरह से उसको साइलेंट हो जाता है। पर एक अच्छी बात यह है कि शुरू से पुलिस और मीडिया साथ साथ रहकर इसको जांच करने की कोशिश करी और एक तरह से ये प्रिवेंटिव स्टेप जो गलत। गलत काम हो रहा था उसको होने से पहले उसको रोकने की भी ऐसे गैंग लखनऊ ही क्यों, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे गैंग बहुत सक्रिय है। अक्सर समय समय पर STF इसका खुलासा करती है, साल भर गैंग पकड़े जाते हैं। उसे इन्हीं लापरवाहियों की वजह से, इन्हीं सरकार की लापरवाही की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो 4 साल 5 साल से नीट की तैयारी करते हैं और इतना टफेस्ट एग्जाम होता है नीट का, और उसके बाद भी उसमें सॉल्वर बैठ के और सीटों को बेच दिया जाता है। सॉल्वर बैठा इंटर मिले होते हैं और तो और इस गिरोह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही वो तरीका है जिसे नीट में भी आजमाया जाता है और पर्सन एक्सचेंज के जरिए सब कुछ पहले से सेट कर दिया जाता है। उम्मीदवारों की नई खेप देने वाला एजेंट बने जी मीडिया के अंडरकवर रिपोर्टर मनवीर सिंह चुड़ावत के सामने अर्पित ने इसका भी तरीका जाहिर किया। सिस्टम समझा देता हूँ।